सो दोस्तों, मेरे पास एचआर कार्ड और इसी से करने वाला हूँ काफ़ी अच्छा सा कार्ड ट्रिक। अगर ये ट्रिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा कार्ड है। तो सबसे पहले हमारा कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ हार्ट्स, ठीक है। क्वीन ऑफ हार्ट्स को यहाँ रखते हैं। सेकेंड कार्ड को देखते हैं जो कि हमारा क्वीन ऑफ हार्ट्स, ठीक है, ये भी क्वीन ऑफ हार्ट्स, इसको यहाँ रखते हैं। तीसरा कार्ड को देखेंगे जो कि हमारा क्वीन ऑफ हार्ट्स, ये भी क्वीन ऑफ हार्ट्स है, इसको भी यहाँ रख देंगे। और चौथा कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ स्पेड, ठीक है, तो इसको इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। सो दोस्तों, इसमें क्या है कि हमारा इसमें तीन कार्ड जो है हमारा क्वीन ऑफ हार्ट्स है और एक कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ स्पेड, ठीक है। अब इस कार्ड चारों कार्ड को लेते हैं, स्पिन करते हैं, एक स्नैप लगाते हैं। अब देखते हैं कौन सा कार्ड है ऊपर वाला। ऊपर वाला कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ स्पेड, ठीक है, राइट, इसको यहाँ रखते हैं। दूसरा कार्ड देखते हैं कौन सा है, ये भी हमारा क्वीन ऑफ स्पेड, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। तीसरा कार्ड को देखते हैं, ये भी है हमारा क्वीन ऑफ स्पेड, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। और चौथा कार्ड को देखते हैं, ये हमारा क्वीन ऑफ हार्ट्स, इसको यहाँ रखते हैं। सो दोस्तों, आपने देखा कैसे जो क्वीन ऑफ हार्ट था चेंज हो गया तीन क्वीन ऑफ स्पेड में, ठीक है। दोस्तों, इसको एक नेक्स्ट लेवल की तरफ ले चलते हैं, एक इसको स्पिन करते हैं एक बार फिर वापस से, फिर देखते हैं कि ऊपर का कार्ड कौन सा है। तो जस्ट स्नैप आप देखिए, ऊपर का कार्ड है जोकर, ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। सेकेंड कार्ड देखते हैं कौन सा है, ठीक है, सेकेंड कार्ड भी है हमारा जोकर, इसको यहाँ रखते हैं। चौथा कार्ड को देखते हैं, ये भी है हमारा जोकर और ये भी है हमारा जोकर। सो दोस्तों, इस ट्रिक के बारे में बताऊंगा डिटेल में, चलिए सीखते हैं ये ट्रिक कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को करने के लिए आपको चाहिए होगी दो क्वींस, दो दूसरे कलर का क्वींस लीजिए, जैसे कि एक रेड लीजिए, एक ब्लैक लीजिए, और दो सिमिलर कार्ड लीजिए। इस केस में आप ले सकते हैं जोकर या अपने अकॉर्डिंग जो भी कार्ड आपको लेना हो सिमिलर ले लीजिए, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप का एस भी यूज़ कर सकते हैं, जैक भी यूज़ कर सकते हैं, किंग भी यूज़ करते हैं, नंबर कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो क्वीन भी यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, सिमिलर दो कार्ड लेना है आपको। इस केस में आप लेंगे जोकर और दो कार्ड और लेंगे जो कि हमारा होगा क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड क्वीन ऑफ स्पेड, ठीक है। जोकर को टॉप पे रखेंगे और इसको कोई भी कार्ड को, मतलब जोकर को टॉप पे रखेंगे और इस तरीके से सेटअप होगा। नीचे दो हमारा क्वींस, ऊपर हमारा दो जोकर, ठीक है। अब दोस्तों, करना क्या है, ऑडियंस को दिखाना इस तरीके से कि चार कार्ड है, बट आपको यहाँ करना है ट्रिपल लिफ्ट, एक साथ ट्रिपल लिफ्ट करना है। तो ट्रिपल लिफ्ट करने के बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी पड़े हुए यूट्यूब पर, आप सीख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं बता दूं कि अगर आप ट्रिपल लिफ्ट करना चाहते हैं तो कौन सा टेक्निक आपको सबसे बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा टेक्निक यही है कि कार्ड को इस तरीके से मैकेनिक ग्रिप में रखेंगे, अंगूठा लाएंगे, अंगूठे से केवल इस तरीके से जब स्लाइड करेंगे ना बस, तो खुद ब खुद तीन कार्ड यहाँ से पिलिंग हो जाएगा, ठीक है, कुछ करना नहीं है। यहाँ से तीन कार्ड को इस तरीके से स्लाइड करें और दिखा दें, ठीक है, फिर स्लाइड करें, वापस से क्लोज करें। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, मतलब ट्रिपल लिफ्ट के लिए ये काफ़ी अच्छा है, इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से पिंकी काउंट करके भी ट्रिपल लिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट, अगर आप सबसे आसानी से सीखना चाहते हैं तो अंगूठे की मदद से यहाँ से स्लाइड करें इस तरीके से, तो इसमें ऑटोमेटिक तीन कार्ड आ जाता है, ठीक है। अब करना क्या है, सेटिंग तो कुछ इस तरीके से, दो क्वींस नीचे हैं, दो जोकर ऊपर हैं, बस मैकेनिक ग्रिप में कार्ड को पकड़ना है, अंगूठे की मदद से यहाँ स्लाइड करना है, ठीक है। तीनों कार्ड को लेना है, इस तरीके से लिफ्ट कर देना है, तो इस केस में दिखेगा हमारा क्वीन ऑफ स्पेड, ठीक है। फिर यहाँ से स्लाइड करना है इस तरीके से, तीनों कार्ड को फेस डाउन करके इसको रख देना है, जो कि जोकर होगा, फर्स्ट जोकर होगा, ठीक है। अब डबल लिफ्ट करना है, तो डबल लिफ्ट सेम चीज़ करेंगे, अंगूठे से स्लाइड करेंगे तो दो कार्ड इसमें आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसको फेसअप करेंगे, फिर स्लाइड करेंगे, फिर फेस डाउन करेंगे, ऊपर वाला कार्ड भी जोकर होगा, ठीक है। अब करेंगे यहाँ सिंगल लिफ्ट, तो सिंगल लिफ्ट भी वैसे कर सकते हैं, अंगूठे की मदद से स्लाइड किए, इसको इस तरीके से दिखाएं, फेस डाउन किए और रख दिए। तो इस केस में हमारा तीनों का तीनों कार्ड ऑडियंस को लगेगा कि क्वीन ऑफ स्पेड है, और चौथा कार्ड आप दिखा दीजिए क्वीन ऑफ हार्ट्स है, ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, करना क्या है, जब आप ऑडियंस को दिखा रहे होते हैं तो ये क्वीन ऑफ हार्ट्स को टॉप से तीसरे पोजीशन पे ले जाना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्वीन ऑफ हार्ट्स है, बातों बातों में इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप देखिए, टॉप से हमारा दो ऊपर जोकर रहेगा, क्वीन ऑफ हार्ट्स चला गया हमारा तीसरे पोजीशन पे, लास्ट में हमारा चला गया क्वीन ऑफ स्पेड। फिर वही प्रोसेस करना है, अंगूठे की मदद से स्लाइड करना है, तीन कार्ड को एक बार लिफ्ट करना है, ठीक है, और दिखाना है इस तरीके से क्वीन ऑफ हार्ट्स, ठीक है, इसको फेस डाउन करना है, फिर ये जोकर वापस से यहाँ रखना है, फिर डबल लिफ्ट इस तरीके से स्लाइड करना है, डबल लिफ्ट, ठीक है, देख सकते हैं, इसको दिखाना है, ये भी हमारा क्वीन ऑफ हार्ट्स रहेगा, ऊपर से जोकर रख के यहाँ रख देंगे, फिर सिंगल लिफ्ट, ये तो हमारा क्वीन ऑफ हार्ट्स है ही,
ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे और चौथा कार्ड दिखा देंगे कि ये हमारा क्वीन ऑफ स्पेड है। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ रखेंगे और ऑडियंस से बोलेंगे ये स्पिन कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि नीचे का अब जो जोकर है नीचे चला जाता है और टॉप पे दोनों हमारी क्वींस आ जाती हैं। फिर वही चीज़ करना है यहाँ, ट्रिपल लिफ्ट, ठीक है, अंगूठे की मदद से स्लाइड करें, तीन कार्ड को एक साथ उठाएँ, ये अब कार्ड उठेगा इसमें, ठीक है, और दिखाएँ कि ये हमारा जोकर है। फिर कार्ड को स्लाइड किए यहाँ रखें, ये कोई जो क्वीन होगा उसको यहाँ रख दें, फिर स्लाइड करें इसको दिखाएं, फिर फेसअप करें, ऊपर भी एक कोई क्वीन होगा इसको यहाँ रखें, फिर इसको दिखा दें इसी तरीके से और इसको भी दिखा दें इसी तरीके से। दैट्स इट। सो दोस्तों आज की ट्रिक यही थी, होप ये ट्रिक आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।